और अब बारी आती है इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की। थोड़ा बहुत डर लग रहा था और मकासे तो डरा हुआ, पता नहीं यार। यहाँ पे मकासा का ECG हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज है मकासा की सर्जरी जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोगों को जल्दी जल्दी उठना पड़ा। मकासा को मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रहा है वो। उसको कल से उसको खाना नहीं दिया गया और पानी नहीं दिया गया क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 8-9 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही होगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको पहले। तो गाइस चलो, हम लोग निकल रहे हैं। मैंने मकासा को दिखा दिया, वो बैग में पैक हो चुका है, अब उसको लेकर चलते। चलो, आर भी मारी आ गई है, चलो निकलते हैं। चुके हैं मकासा के हॉस्पिटल जहाँ पे उसका ऑपरेशन होगा। और आप लोग यहाँ देख ही सकते हो कितने सारे डॉग्स हैं। इन सब का भी ट्रीटमेंट होना था, हर किसी को कुछ ना कुछ हुआ था और सब लोग यहाँ पे परेशान ही होते हैं जो आते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट करवाना होता है। गाइस लेके जा रहे हैं मकासा को फर्स्ट फ्लोर पे। उसकी बिलिंग हुई है अभी, सर्जरी की बिलिंग हो चुकी है। अब बस थोड़ी देर में सर्जरी शुरू हो जाएगी। डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो गाइस हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। डर भी लग रहा है और हम बाहर कुछ बोल नहीं पाए तो बस इतने सारे डॉग्स है ना, थोड़ा बहुत डर लग रहा था और बस मकास है तो डरा हुआ, पता नहीं यार बस सब कुछ सही से हो जाए, कुछ दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल भी। मैंने सोचा फिर मैं आपके साथ ये जरूर शेयर करूंगी। अभी हमें उसे 5 दिन के लिए छोड़ना होगा यार। यहाँ पे मकासा के सारे टेस्ट शुरू हो गए हैं जिसमें सबसे पहले मकासा का ब्लड टेस्ट हो रहा था और मुझसे ये देखा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्लड लिया उसका और टेस्ट किया। और ये देखो, उन्होंने हमें हाथ में भी दिया था कि ये ब्लड है इसका और मुझे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था। जैसे कि आपने देखा अभी इसका ब्लड टेस्ट हुआ है, उसके बाद अब ECG होगा और एक्सरे होगा। देखो आप इसको, उसकी क्या हालत है। तुम लोग मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक होकर आऊंगा, मैं ब्रेव बॉय हूँ। थोड़ा बहुत डर तो लगता है पर कोई बात नहीं, ठीक होने के लिए तो करना पड़ेगा ना। चलो चलो, अब मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। अब यहाँ पे मकासा का ECG हो रहा है और ये चेकअप ही आराम से करवा ले रहा था। इसके बाद ऑपरेशन क्यों नहीं हो पाया वो आपको आगे पता चल जाएगा, मैंने बताया है सब कुछ। अच्छा, कुछ भी तो नहीं कर रही हो, दर्द हो रहा है। इसलिए अब डॉक्टर इसका ये सब कुछ हटा रहे हैं क्योंकि अभी से हम घर ले जाने वाले थे। गाइज, जब मैं आपको लास्ट क्लिप में मिली थी तब हम मकासा के ऑपरेशन के लिए गए थे, लेकिन उस दिन ये हुआ था कि उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया और हमें वेट करना पड़ा 3 दिन के लिए। और उस दिन जो है उसके रिपोर्ट्स सही नहीं आई थी क्योंकि उसके व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो कम थे बहुत। डॉक्टर ने कहा कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, उन्होंने दवाई दी और कहा कि अभी आप इंक्रीज होने दो, जब सही हो जाएगा तब हम करेंगे। तो उसके बाद जो है हमने वेट किया 3 दिन का और मैं आपको आज 3 दिन बाद मिल रही हूँ। और कल मतलब आज रात के 2 बज रहे हैं अभी, तो अभी सुबह के 9 बजे इंशाल्लाह उसकी सर्जरी जो है वो होने वाली है। तो यार सब कुछ अच्छे से हो जाए, आप लोग भी दुआ करना, जब भी आप लोग ये देख रहे हो तो उसकी दुआ करना ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि यार बहुत ही परेशानी में चल रहा है वो। और अभी मैं वेट कर, तो बस अभी मैं जा रही हूँ सोने, मेरा शूट था तो मैं तैयार हूँ अभी दिख रही, तो बस उसके बाद मैं आपको मिलूंगी कल सुबह। और मैं यही अपडेट देना चाहती थी आपको कि ताकि आपको पता चल जाए कि क्या हुआ था उस दिन। तो चलो फिर हम आपको मिलेंगे सुबह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गए हैं सुबह के, तो अभी बज रहे सुबह के 9 और मैंने रात को ही कपड़े चेंज अपने कर लिए थे ताकि मैं सुबह उठूँ तो नहीं करना पड़े क्योंकि हमें सुबह जो है ना लेट हो जाता थोड़ा। और मैं बस थोड़ी देरी सोई थी, अभी रात में एडिटिंग हो रही थी और समझ लो मैं 1-2 घंटे सोई हूँ, फिर उसके बाद मुझे उठा दिया गया। जल्दी से अब निकलते हैं इसकी सर्जरी के लिए। और रात भर मकासा जो है बहुत ज्यादा खाना पानी ढूंढ रहा था क्योंकि उसका, जैसे कि मैंने बताया था कि उसको फास्टिंग करनी होती है रात से, मतलब बहुत घंटों की। बेचारे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा बोल रहा था मुझे, लेकिन बस मैंने कंट्रोल करके रखा था यार। मैं इतना मन करता कि मैं बस पानी दे दूँ, खाना दे दूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, वो ऑपरेशन से पहले ऐसा करना ही हुआ।
कोई बात नहीं है, चलो अभी हम चलते हैं, निकलते हैं और मकासा को लेकर चलते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको मकासा। गाइस चाय है और सैंडविच रेडी हो रहा है जो कि मैं यहीं पे खा रही हूँ क्योंकि कार आ चुकी है, तो मैं बस निकलने वाली हूँ, तो मैं बस यहीं पे खा रही हूँ और बस चलो अब निकलते हैं। फिर मैं आपको बाहर मिलती हूँ और हॉस्पिटल जाकर देखते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बुलाया था 10 बजे, हमने बात कर ली है, तो अभी चलो निकलते हैं। साथ जवाब भी है जो कि अपने घर जा रहा है और मकासा को मैं दिखाती हूँ। हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं और कल उसका ब्लड टेस्ट हो चुका था तो रिपोर्ट्स ओके आई थी, अभी सर्जरी होने वाली है। पर ये बहुत डरा हुआ भी है और इसको बहुत ज्यादा भूख लगी है सच में बहुत। एक बार और चेक किया गया कि सब कुछ ठीक है या नहीं है और इसमें भी ये बहुत चिल्ला रहा था क्योंकि इसको बहुत पेन हो रहा था। डॉक्टर से मिल लो एक बार। डॉग देखो कितना बड़ा था, मैं तो डरी गई थी, लेकिन ये कितने आराम से बैठा है ना। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे मकासा के कॉलर लाने का क्योंकि वो गाड़ी में ही रह गया था और वो लेकर आए थे, और यहाँ पर जो ये डॉक्टर है ना, इन्होंने ऑपरेशन किया मकासा का। और अब बारी आती है इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की, और इस टाइम पे मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार ये कैसे दूर जा रहा है और इसके बाद अभी ये घर भी नहीं जाएगा कुछ दिनों तक। और अब हमने मकासा को ओटी में दे दिया, सर्जरी के लिए डॉक्टर लेकर आए। अब यहाँ हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ा, बहुत घंटे, और हम यहाँ बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि कैसे हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, बस अच्छे से हो जाए सारा कुछ। और हमने बहुत वेट किया, बस सर्जरी में जा चुका है और अभी हम लोग बैठे वेट कर रहे हैं उसका। तो वो चला गया था कुछ देर पहले, हम लोग इधर आ गए कुछ लेने के लिए, कुछ ड्रिंक या कुछ। तो भाई अभी हम लोग फिर से आए हैं यहाँ पे गाइस, मकासा की सर्जरी हो गई है और हमें अभी कॉल आ गई थी कि सही से हो गया सब कुछ, लेकिन अभी वो होश में नहीं आया है तो उसको कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा और लगेगा, टाइम लगेगा। तो हम सोच रहे हैं हम लोग मिलकर इसको देख कर तभी जाएंगे यहाँ से, और हम इसको अभी यहाँ पर 5 डेज भी रखेंगे, 5 दिन की एडमिट रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि तू कैसे, अभी हम लोग मिलने नहीं गए, मिलने जाएंगे तो फिर दिखाएंगे आपको, अभी दिखाएंगे आपको वो कैसा है, बस यार ठीक हो जाए जल्दी से। लेकिन यहाँ पे हम इसको रखना पड़ेगा क्योंकि वो घर में नहीं रहता सही से, क्योंकि बहुत मतलब उसका जो ऑपरेशन हुआ उस पर वो हाथ वाथ ना मार ले, तो बहुत ही प्रिकॉशंस लेने होंगे यहाँ पर, ज़्यादा ख्याल रखेंगे डॉक्टर्स, तो इसलिए यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ फाइनली कुछ घंटों बाद मकासा का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया और तब जाकर हमें सांस में सांस आई। मैं आपको अब मिल रही हूँ, और जब मकासा का ऑपरेशन हुआ था तब मैं उसके बाद कुछ बनाना ही भूल गई, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता क्योंकि उसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था, बहुत दिक्कत हो रही थी, वो वहाँ पे नहीं रह पा रहा था। मतलब मेरे से तो हुआ ही नहीं कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या कुछ बनाऊँ, बस दिमाग में पूरे टाइम सिर्फ यही आ रहा था कि मकासा कैसा होगा, अकेले है, क्या कर रहा होगा। और उसके बाद फिर डेली उसको देखने के लिए जाना होता है, तो बस मेरे दिमाग में यही था कि बस कैसे भी ठीक हो जाए यार, फिर उसके बाद मैं कुछ देखूंगी। मतलब यार बहुत ही अजीब लग रहा बहुत ज्यादा, लेकिन अब आप लोग बस प्रे करो ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, बिल्कुल अच्छे से हो जाए, ताकि वो घर आ जाए जल्दी से, हम फिर आराम से इसको अपने पास रखे और फिर उसका ध्यान रखे जैसे, और वो बिल्कुल ठीक हो जाए फिर। तो अभी मैं जा रही हूँ मकासा से मिलने के लिए, और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और उसके मिलने का टाइम जो है वो 12 से 2 तक का है, उसके बाद हम लोग नहीं मिल सकते। चलो हम लोग चलते हैं और उससे मिलकर आते हैं। देखो इधर, ठीक हो जाएगा तो घर आएगा, घर आ जाएगा मकासा। हम लोगों से बहुत गुस्सा है, बहुत देखो देख भी नहीं रहा इधर मकासा। मकासा से मिलकर आ चुके हैं, मैं आपको घर में बताऊंगी क्या क्या हुआ और वो कैसा है और कैसा नहीं। तो चलो अभी हम लोग घर चलते हैं। तो
तो मैं आ चुकी हूँ गाइस उससे मिलकर, और मैं आपको बता दूँ कि उसकी आंखें अभी ठीक तो है माशाल्लाह से, लेकिन आप लोग उसके लिए प्रे करो ताकि वो और जल्दी से बिल्कुल ही मतलब अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है वो हो जाए। और वो खा नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात यह है, शायद बहुत ज्यादा ही डरा हुआ है, बहुत स्ट्रेस में है और बिल्कुल ही गुस्से में है, और हम लोगों से भी नहीं बात कर रहा, देख रहा है, बस पानी पी लेता है, थोड़ा बहुत ट्रीट खा लेता है वरना उसको वैसे। लेकिन डॉक्टर्स के पास है तो चलो डॉक्टर्स ध्यान रखते हैं। और वहां पर बहुत सारी कैट्स है, मेरी तो बिल्कुल वो हो गया था मुझे देखकर कि कैसी कैट थी, एक तो बिल्कुल ही हालत खराब थी, तो बस वो सारी कैट्स भी सही हो जाए इंशाल्लाह और ये मकासा भी मेरा ठीक हो जाए जल्दी से। और मिम्सी तो मेरे पास है ही अभी, और जो लोग समझ रहे कि मिम्सी अभी आई एक दो दिन पहले, तो मैं उनको बता दूं कि मिम्सी हमारे पास 2 महीने से है, छोटी सी थी बहुत ज्यादा, लेकिन हमने रिवील नहीं किया था क्योंकि मकासा की तबीयत खराब थी और उसको मतलब हम डॉक्टर के पास लाते थे इधर उधर करते थे तो टाइम नहीं मिलता था, इसलिए हम नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर जब एक टाइम आया तो मैंने सोचा चलो यार अभी रिवील कर देते हैं, और आप लोगों को लग रहा हो कि मकासा की तबीयत खराब हुई तब मिम्सी आई है, तो ऐसा नहीं है, जब मकासा ठीक था तभी मिम्सी थी, बस हमने थोड़ा टाइम लगाया उसको रिवील करने में। तो बस गाइस यहीं पे खत्म होता है मेरे ब्लॉग, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मकासा के लिए सब प्लीज अच्छे अच्छे विशेष लिख देना कमेंट में ताकि मुझे भी अच्छा लगे बहुत ज्यादा, मकासा जल्दी से ठीक हो जाए इंशाल्लाह। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।